हेलो, नमस्कार दोस्तों। 30 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, तो एक बार आज नजर मार लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है सैटरडे को आता है, आपको पता है ग्राउंड जीरो में, इस आर्टिकल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहती है जो एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट है वो नहीं रहती हमारे लिए, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये रिफ्यूजीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है मेन पेज पे बड़ा वाला आर्टिकल, ये एक्चुअली सेक्युलरिज्म और मेनली खा जाए तो बीजेपी और अभी कांग्रेस को लेके चल रहा है, कुछ भी काम करनी है इसमें। पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है। बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को यहाँ पे क्रिटिसाइज है वो कर रही है, तो इससे हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है जीएसटी के बारे में है कि भाई जीएसटी को देखो 1 साल हो गया है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया राइटर के द्वारा कि 1 साल में क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, तो उसको एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो आर्टिकल है साइड वाला आर्टिकल, ये एक्चुअली है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ अभी न्यूज है नहीं, कुछ काम की हमारे लिए एग्जाम के नजरिए से, तो इसे भी हम नहीं डिस्कस कर रहे। यहाँ पे आर्टिकल है, ये आया है एक्चुअली यूजीसी को डिजोल्व करने के, डिजोल्व करके जो नई बॉडी बनाई जा रही है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में, तो उसकी क्या क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी और मिडनाइट सेशन की। देखो आपको पता है कि आज से जस्ट 1 साल पहले अब जीएसटी का मिडनाइट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, और उसी दौरान ये कहा गया था कि काफी ज्यादा बड़े रिफॉर्म है वो आने वाले हैं जीएसटी की हेल्प से, और हमारी इकोनॉमी उसमें बहुत बेनिफिट है वो होने वाला है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जीएसटी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि भाई उसका रिजल्ट 1-2 दिन में 1-2 महीने में मिल जाता, इसीलिए लगभग 1 साल हो गया, तो अभी तो हमारे पास थोड़ा वो टाइम है कि हम एक बार रिव्यू देख लें कि कैसे जीएसटी का बेनिफिट हुआ है, क्या क्या जीएसटी के एडवांटेज, क्या क्या नुकसान हुए हैं, और कहाँ चेंजेस वगैरह करने की बात है, और क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स वगैरह आते हैं, तो उनके बारे में एक तरीके से रिफॉर्म वगैरह की बात हो गई है। तो वो सबसे पहली बात तो है कि जीएसटी को छोटा मोटा टैक्स तो था, स्ट्रक्चर चेंज करने की बात नहीं थी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म था। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हुआ तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है रिजल्ट आने में, और इसीलिए 1 साल बाद में इसके बारे में रिव्यू है वो क्या गया। चलो आप एक चीज ये बताइए कि जीएसटी के लिए जो मिडनाइट सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, क्या वो पहली बार हुआ था इंडिया में मिडनाइट सेशन, तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो आगे बात ये बताई गई आर्टिकल में कि कुछ ऐसी पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि जीएसटी को एक तरीके से, राइटर के पॉइंट से पहले आपको मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये राइटर के द्वारा बताए गए पॉइंट है। जैसे कि राइटर ने बताया कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हुए हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स थे। तो बात ये की जाती है कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया जा रहा था उस टाइम पे कहा गया था कि टेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल हो जाएगा, पहली बात तो ये थी, और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से फायदा होगा कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम वगैरह होती है ना इन पे पैसा थोड़ा दबा के खर्च करेगी। इसके साथ ये कहा जा रहा था कि जो भी ब्लैक मनी या करप्शन वगैरह ऐसी चीजें होती है, कई बार लीकेज वगैरह होता है, वो नहीं होगा क्योंकि सारे काम वो बिल वगैरह ऑनलाइन जनरेट होंगे, ये बात यहाँ पे आई थी। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो जीएसटी से बेनिफिट और भी होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट। एक तो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल हो जाएगी, टैक्स रेट बहुत कम हो जाएंगे, जिससे लोगों को फायदा इस चीज से बेनिफिट है वो मिलने वाला है। ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे उस टाइम पे। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट ने भी कहा था कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा, बट राइटर बता रहे हैं अभी कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो इज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसकी बात की जा रही थी वो अभी भी पेंडिंग पड़ा है। क्यों नहीं बढ़ा इज ऑफ डूइंग बिजनेस? क्योंकि अभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं हुआ है ढंग से, काफी कॉम्प्लेक्सिटी है जीएसटी में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो बात ये की जा रही है कि आपको पता है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। जीएसटी काउंसिल में क्या है कि काफी डिले हुआ था, एक तो जो भी टैक्स की रेट वगैरह डिसाइड की गई थी उसमें भी काफी अनियमितताएं थी, काफी लेट हुई थी, और कई बार ये होता था कि इस महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो किसी चीज को 5% वाली लिस्ट में रखा गया, फिर अगले महीने उसको 12% में पुट कर दिया गया, फिर वापस उसको 18 में पुट कर दिया, फिर 0 में पुट कर दिया। तो मतलब क्या कि काफी अनियमितताएं थी, स्टार्टिंग में कुछ पता था नहीं, तो इसलिए कुछ ज्यादा बेनिफिट अभी तक हमें मिला नहीं है। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो एक तो हमारा देश का जो आईटी सेक्टर था वो भी इस मामले में जीएसटी वाले में कहीं ना कहीं पीछे दिखा है। वैसे तो हमारे देश का आईटी सेक्टर बहुत आगे है, बट जीएसटी के लिए जो नेटवर्क बनाया गया था जीएसटीएन, उसमें भी कहने की काफी कमियां थी, लोग प्रॉपर ढंग से टैक्स रिटर्न वो नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही बात की जा रही है कि स्टार्टिंग में जो टैक्स पे करने की बात है ना, टैक्स रिटर्न करने की, वो भी महीने में 3-3 बार थी, तो किसी को आदत थी नहीं, तो एक साथ ही महीने में 3-3 बार रिटर्न करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। और कई बार तो ऐसा सीन होता था कि पहले जहाँ से आपने सामान खरीदा है, तो जिससे आपने सामान खरीदा, जैसे मान लो कि एक दुकानदार है, तो एक को पहले जीएसटी टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, उसके बाद ही जो बी जो ग्राहक है वो टैक्स रिटर्न फिलअप कर पाएगा, और फिर आगे एक तरीके से खुदरा वगैरह में चीजें वो बेच सकता है। तो एक तरीके से काफी कॉम्प्लेक्स काम है वो हो गया था, महीने में 3-3 रिटर्न करनी होती थी, तो इसलिए काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो जो छोटे छोटे फर्म थे ना उनको नुकसान ज्यादा हो रहा था,
क्योंकि देखो तो बड़े फर्म होते हैं, बड़ी जो कंपनी होती है, बिजनेस ग्रुप होते हैं ना, इनके पास तो क्या पैसा भी होता है और ये लोग क्या कि लोगों को हायर करके अपना काम करवा लेते हैं इधर उधर से। बट जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे जो फर्म होते हैं, इनके पास ना तो इतना पैसा होता है कि भैया बार बार पैसा देके टैक्स रिफॉर्म जो भी टैक्स रिटर्न है वो फिलअप वगैरह करवा सकें, ना ही गाइडलाइन का इन्हें कुछ पता होता था, क्योंकि गाइडलाइन भी काफी चेंज होती रहती थी, काफी डिले रहता था। इसके साथ ही जीएसटी जो रिटर्न वापस मिलता था, एक बोल सकते हो वो भी कहीं ना कहीं काफी डिले हो रहा था। जीएसटी रिटर्न में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, जो भी लोगों को छूट वगैरह मिल रही थी उसका बेनिफिट टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही बात की जा रही है कि ई वे बिल है, उसको भी काफी लेट इंट्रोड्यूस किया गया। इवन कई बार ये देखा गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान अगर बेचना है तो उस कंडीशन में काफी सारी दिक्कत है वो आ रही थी। तो राइटर का ऑल ओवर ये कहना है कि देखो अभी 1 साल हो गया ना, तो फिर भी गवर्नमेंट थोड़ा डिसाइड नहीं कर पाई है, गवर्नमेंट काफी असमंजस में रही है। गवर्नमेंट सोच रही है कि यार हम ये करें वो करें, बट प्रॉपर ढंग से काम हो नहीं पाया। लोगों को जितनी उम्मीद थी ना जीएसटी से, उतना काम नहीं हो पाया। उम्मीद लोगों को काफी ज्यादा थी कि चीजें सस्ती होंगी, काफी सिंपल प्रोसीजर हो जाएगी, बट देखा जाए तो अभी तो 500 टैक्स ले भी हो गई है, एक तो 0% की हो गई है, एक 5 की, एक 12 की, एक 18 की और एक 28 की। तो आधी बार तो पता ही नहीं होता कि यार कौन सा प्रोडक्ट कौन सी लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन भरा काम हो जाता है ना। इसलिए राइटर का कहना है कि कम्योडिटी के दाम घटने की वजह बढ़ हो गए हैं। तो कम्योडिटी के दाम घटने की वजह बढ़े क्यों, वो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। अब देखो नॉर्मली तो जैसे दूध वगैरह जो रॉ मेटेरियल चीजें हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट है वो तो कुछ सस्ते हुए, बट बाकी देखा जाए तो कम्योडिटी के दाम बढ़े और चीजों के। क्यों वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कम्योडिटी के आपको पता है कि क्या है, मैक्सिमम सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है, सॉरी, वो काफी अहम होता है हर कम्योडिटी के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होते हैं, अगर उनके दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर भी टैक्स 18% कर दिया गया, और जो कम्योडिटी होती है वो सर्विस सेक्टर पर भी काफी डिपेंड करती है, तो इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत है, वो सामना करना पड़ा है। इसके बाद में बात ये बताई जा रही है कि जैसे एल्कोहल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, रियल एस्टेट हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए, इनको अभी भी जीएसटी में नहीं रखा गया है, जबकि इनसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। गवर्नमेंट को जितनी अनुमानित थी ना कि भाई हम इतना साल का टर्नओवर कर लेंगे जीएसटी से, रिटर्न से, उतना गवर्नमेंट भी अब जो है वो नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं टैक्स से जितना कलेक्ट करना था गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि काफी कमियां रह गई हैं। एक तो प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखो जीएसटी जो नेटवर्क बनाया गया था ना, इसमें काफी खामियां रह गई थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा सीन था कि 3 3 4 4 महीने तक जीएसटी रिटर्न फिल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि साइट हैंग हो रही थी, साइट कई बार क्रेश कर रही थी, तो ऐसे माहौल में काफी दिक्कत हुई और जीएसटी का जो टैक्स रिवेन्यू वो काफी कम रहा था। ये यहाँ पे कंप्लीट बात है वो राइटर के द्वारा बताई गई है। फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो जीएसटी का जो कंप्लीट मतलब था ना, वो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चर काफी सिंपल होना चाहिए, कम्युनिटी के दाम भी कम होने चाहिए और लोगों के लिए रिजनेबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी। तो गवर्नमेंट को उस दिशा में भी कदम है वो उठाने चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल यहाँ पे है यूजीसी के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं जो भी बेसिक पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाते हैं। सेकेंड जो आर्टिकल है देखो ये आया है, एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें बात यह है कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको भी डिजोल्व करने की बात की जा रही है, और उसके बाद में बात की जा रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वो बनाया जाएगा। तो इसके लिए भी बिल है, ड्राफ्ट है, वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा इसमें बैकग्राउंड दिया गया है, थोड़ा इसके बारे में बताया गया है। यूजीसी था वो आपको पता है कि यूजीसी एक्ट है 1951, उसके तहत इसको बनाया गया था। काम क्या था, जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मान्यता वगैरह देना हो गया, इसके साथ ही उनको मेंटेन करना, उनके उनको मॉनिटर वगैरह करना, ये सारे इसके बेसिकली काम थे। एकेडमिक स्टैंडर्ड वगैरह तैयार है करना, ये सारे बेसिक काम थे। अब बात की जा रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, वो क्यों बनाया जा रहा है। देखो यूजीसी था ना वो काफी पुराना हो गया था, मतलब आपको पता है कि आजादी के टाइम की बॉडी थी, तो उस टाइम की हमारी एजुकेशन की डिमांड कुछ अलग थी और उस टाइम पे हमारे देश की कुछ अलग ही डिमांड थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो यूजीसी परफेक्ट था। बट आज आपको पता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम आ गया है और इस टाइम पे हमारी डिमांड है वो चेंज हो गई है, मतलब हमारी डिमांड कुछ और है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट और चीजों को प्रमोट कर रही है, उस टाइम पे तो ये था कि भाई एजुकेशन को प्रमोट करके लोगों को एजुकेटेड करो पहले, बट आज गवर्नमेंट ये चाह रही है कि क्वालिटी और स्किल को भी अब गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस है वो करने लगी है। मतलब देखो यही है कि गवर्नमेंट की आज के टाइम पे और इसके साथ लोगों की डिमांड भी ऑन चेंज है वो हो गई है, और इसीलिए जो पुरानी बॉडी वो आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, तो उसमें बार बार रिफॉर्म किए जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक बार ही ढंग से और व्यू लेकर रिफॉर्म करके एक नई बॉडी बना दी जाए ताकि झंझट ही ना हो, और इसीलिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए ड्राफ्ट वगैरह वो तैयार भी किया जा रहा है। तो जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें 12 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होंगे और एक वाइस चेयरमैन होंगे। इसका बेसिकली मोटा मोटा काम देखा जाए तो एक तो होगा एक्रेडिटेशन का, मतलब स्कूल को सॉरी कॉलेज वगैरह इनको मान्यता देना, इसके साथ ही स्टूडेंट को सपोर्ट करना, कहीं कॉलेज वगैरह वो स्टूडेंट को हरासमेंट या उसको परेशान ना करें किसी चीज को लेकर, मतलब उनको मनमानी ना कर सकें। इसके साथ ही जो स्कूल कॉलेज के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाएंगे
और अहम बात यहाँ पे की जा रही आउटकम की, कि जो एजुकेशन आउटकम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। देखो अभी तक तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि स्कूल है जो कॉलेज वगैरह है उनकी संख्या पर फोकस कर रही थी कि कॉलेजों की संख्या वो बढ़ा दी जाए। जैसे थोड़ा फिर डाटा दिया गया आर्टिकल में कि आज़ादी के टाइम पे देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 20 तो यूनिवर्सिटी थी और 500 लग के आसपास लगभग कॉलेज थी, और जबकि आज देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 864 तो यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही देखा जाए तो कॉलेजों की संख्या वो हो गई है 40,026 के आसपास। मतलब हमारे देश में इतने कॉलेज हो गए हैं, इतनी यूनिवर्सिटी हो गई है, तो आज के टाइम की डिमांड कुछ और हो गई है, और इनको इन सारी कॉलेज वगैरह को हमें मेंटेन करना भी काफी अहम हो जाता है। इनको मॉनिटर करना होगा, इनका आउटकम है उस पर भी हमें फोकस करना होगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि हमारा देश है वो रिसर्च के सेक्टर में थोड़ा पीछे रह गया है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भी रिसर्च वगैरह उसको प्रमोट किया जा सके। तो जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिसर्च वगैरह को भी प्रमोट करने के लिए काफी प्रोग्राम चलेगा। इसके साथ ही टीचिंग आउटकम पे फोकस किया जाएगा और लर्निंग आउटकम पे फोकस है वो किया जाएगा। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो पुराने वाले से काफी डिफरेंट होगा। इसका काम मेनली ये रहेगा कि भाई स्किल भी बढ़े इसके लोगों में, इसके साथ ही टीचिंग है वो भी बढ़े, लर्निंग आउटकम भी बढ़ना चाहिए और रिसर्च भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। सीधी सी बात यहाँ पे बोली जाए तो ये कि एजुकेशन की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात है। इसके साथ ही एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि देखो आज के टाइम पे भी अगर हम देखें इतनी कॉलेज हो गई है हमारे देश में, लगभग 40,000 के आसपास कॉलेज हैं, बट फिर भी देखा जाए तो जो इनरोलमेंट की बात की जा रही है ना हायर एजुकेशन में, मतलब कॉलेजों में, वो 26% है। मतलब 12th पास करने के बाद लगभग 26% बच्चे हैं वही कॉलेजों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट ज्यादा है। तो क्यों है, उन रीजन को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और एक अफोर्डेबल एजुकेशन है वो सबको प्रोवाइड है वो करवानी होगी। इसके बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो अभी तक तो जो था यूजीसी थी, और यूजीसी क्या के अंदर भी अलग अलग छोटी छोटी अलग से बॉडी बनी हुई थी, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो मेडिकल डिपार्टमेंट को रेगुलेट करती थी। इसके साथ ही देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल ब्रांच होगी या बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा उसको AICTC है वो कंट्रोल कर रही थी। लॉ के लिए अलग से बॉडी थी, तो मतलब क्या कि अलग अलग छोटी छोटी बॉडियां वो बनाई गई थी ताकि उनसे रिलेटेड काम है वो किए जा सके। बट अभी जो ही यूजीसी को हटा के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा तो इसमें क्या होगा, इन सबको हटा के एक ही बॉडी रहेगी और जो मैन पावर रहेगी वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही रहेगी, तो रूल रेगुलेशन वो ये बनेगी। बट एक अहम बात और है यहाँ पे, कॉलेज वगैरह को यहाँ पे ऑटोनॉमी है वो दी जाएगी। ऑटोनॉमी इसलिए दी जाएगी ताकि वो अपना सिलेबस है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकें कि हाँ भाई जहाँ पे स्टूडेंट कैसे हैं सिलेबस वगैरह की उनको थोड़ी छूट वो दी जाएगी। इसके साथ ही और भी स्टैंडर्ड्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद में बात की जा रही है कि यूजीसी का एक काम और होता था, वो था ग्रांट वगैरह देना, और उसमें वो काफी फेयर तरीके से काम है वो करती थी, मतलब पॉलिटिकल स्तर से बहुत कम ही होता था। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ना वो क्या करेगा, एक अलग से बॉडी बनाएगा इसके लिए अपने अंदर ही, जिसका नाम होगा एडवाइजरी काउंसिल। और जो एडवाइजरी काउंसिल होगा वो क्या करेगा, कौन सी कॉलेज को कितनी ग्रांट देनी है उसकी क्या स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो सारे काम एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा ही किए जाएंगे। तो इसके द्वारा मतलब प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ताकि हायर एजुकेशन जो हमारा है देश का उसको इम्प्रूव है वो किया जा सके। इसके बाद में बात की जा रही है, लास्ट में राइटर कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे देश की डिमांड कुछ अलग है, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की डिमांड चेंज हो गई है, उस टाइम पे डिमांड थी वो कुछ अलग थी, आज डिमांड है अलग हो गई है, तो इसलिए हमें आज के नजरिए के अकॉर्डिंग एजुकेशन की जरूरत है। देखो उस टाइम पे मेन मोटो क्या था एजुकेशन का, कि भाई एटलीस्ट लोग पढ़ लें, उस टाइम पे मेन फोकस ये था। बट आज के टाइम पे देखा जाए तो मेन मोटो ये रह गया कि भाई एजुकेशन पढ़ना ही नहीं है, स्किल भी होनी चाहिए हमारे पास, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें ना कि हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ खुद भागें। इसके बाद में लाइटर कह रहे हैं लास्ट में सजेशन में कि भाई देखो हमें पॉलिटिकल विल है उसकी बहुत जरूरत है, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक काम नहीं बन पाएगा, और पॉलिटिक को एग्जीक्यूट देखा जाए तो राजनीति को हमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब एजुकेशन से दूर रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बार बार राजनीति के द्वारा हस्तक्षेप करते रहें और अपनी मनमर्जी करें। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि रेगुलेशन बहुत जरूरी है कॉलेज वगैरह के साथ, और अकाउंटेबिलिटी आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत से कॉलेज ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी भी उन ऐसी हैं जहाँ पे लैब वगैरह नहीं है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से है, फिर भी उनको यूजीसी या कॉलेज वगैरह की मान्यता वो दे रखी है। तो वो क्यों है ऐसा, कहीं ना कहीं कमियां तो रही है ना, अगर उन कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल विल बढ़ानी होगी, इसके साथ ही हमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी बॉडीज की, कि वो काम ढंग से कर सके, जो भी कमी है उनको दूर किया जा सके। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। और हाँ आपको एक बात बता दूं कि जो वेबसाइट है वो चल गई है welcomeupsc.com से, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जा सकते हो welcomeupsc.com वेबसाइट पे, वहां पे आपको डाउनलोड का एक सेक्शन मिलेगा कैटेगरी, और वहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।